दोस्तों, भारत में हिंदू धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा गिनती भगवान शिव के मंदिरों की है। इनमें मुख्य तौर पर इनके 12 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। तो वहीं देश के कोने कोने में इनके प्राचीन व अद्भुत मंदिर स्थापित हैं। इन्हीं में से एक मंदिर से जुड़ी जानकारी हम आज आपके लिए लाए हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भगवान शिव बाघ रूप में विराजमान है। शायद आप लोगों को जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि आमतौर पर भगवान शिव शिवलिंग रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु इस अद्भुत मंदिर में भगवान शिव बाघ रूप में विराजमान हैं। बता दें कि जिस मंदिर की हम बात करेंगे, उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। इसमें शिव शक्ति की जल लहरी पूरा दिशा को है। यहाँ शिव पार्वती एक साथ स्वयं रूप में जल लहरी के मध्य विराजमान है। कहा जाता है कि यह धाम महादेव का प्रिय है। बता दें कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर सरयू नदी के संगम पर स्थित है, जिसका पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बागेश्वर को मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। भगवान शंकर यहाँ बाघ रूप में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहले इस जगह को रागेश्वर नाम से जाना जाता था, बाद में इसके नाम को बदलकर बागेश्वर कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि नाथ मंदिर को चंद्रवंशी राजा लक्ष्मीचंद्र ने सन 1602 में बनवाया था। इस मंदिर के नज़दीक ही बाणेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो वास्तुकला की दृष्टि से समकालीन लगता है। इसके साथ ही यहाँ भैरवनाथ का भी मंदिर बना हुआ है। लोकमत है कि भैरवनाथ इस मंदिर में भगवान शिव के द्वारपाल के रूप में निवास करते हैं। वही यहाँ सेवर पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। शिव पुराण की मानस खंड के मुताबिक इस नगर को सेवर के गण जगदीश ने बसाया था। ऐसा कहा जाता है कि महादेव की इच्छा के बाद ही इस नगर को बताया गया है। मंदिर पहले बहुत छोटा था, जिसे बाद में चंद्रवंशी राजलक्ष्मी ने सन 1602 में भव्य रूप दिया। राजाओं ने लिखा गया कि अनादिकाल में विशिष्ट मुनि अपने कठोरता बल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को ला रहे थे, परंतु जब वे इस जगह के समीप पहुंचे तो वहां पर ब्रह्म कपाली के साथ मार्कंडेय ऋषि तपस्या में लीन थे। विशिष्ट जी को उनकी तपस्या भंग होने का खतरा सताने लगा। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे यहाँ जल भराव होने लगा। सरयू नदी आगे नहीं बढ़ सकी, तब उन्होंने शिव जी की आराधना की तो महादेव ने स्वयं बाघ का रूप धारण कर और माता पार्वती को गाय बना दिया। कथाओं के अनुसार महादेव ब्रह्म कपाली के पास का गाय पर झपटने का प्रयास किया। गाय के रभाने से मार्कंडेय ऋषि की आँखें खुली। इसके बाद ऋषि बाघ को गाय से मुक्त कराने के लिए दौड़े तो भागने महादेव को गाय ने माता पार्वती का रूप ले लिया। कथाओं के अनुसार इसके बाद भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती ने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देकर इच्छुत वर दिया, साथ ही विशिष्ट को अपना आशीर्वाद दिया और उसके बाद सरयू नदी आगे बढ़ सकी। यहाँ की लोकमत है कि बागनाथ मंदिर में मुख्य रूप से बेलपत्री ही भोलेनाथ की पूजा की जाती है। खास तौर पर यहाँ कुमकुम, चंदन और बताशा चढ़ाने की परंपरा है तथा महादेव को खीर और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये मंदिर की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।